प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं जो आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन त्रिकोणमिति या ट्राइगोनोमेट्री से संबंधित है। यह आपकी एग्ज़ाम में 12 नंबर की आएगी। हम आपको इसी के आधार पर फार्मूले और क्वेश्चन भी करा चुके हैं। हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की आपकी, अलजबरा आपकी 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपकी 5 नंबर की, ये आपकी कंप्लीट की कंप्लीट हम करा चुके हैं। आप बार बार वीडियो देखते रहें और उसका लाभ लेते रहें। हम आपको जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, ये आपका क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है या ट्राइगोनोमेट्री से है। देखिए जरा क्वेश्चन, जरा ध्यान दें। सबसे मेन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपका है त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। AB आपका 26, AC बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। यह हमने सेंटीमीटर आगे देखिए आप, BC बराबर 24 हो तो tan B तथा cos A का मान ज्ञात करो। ज़रा ध्यान दें, AB बराबर 26 लिख रखा है, सेंटीमीटर हो या मीटर हो उससे कोई फ़र्क की बात नहीं, जो भी हो वो आप लिख दें। AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो tan B तथा cos A का मान ज्ञात करो। अब ज़रा आप देखिए, डायग्राम आपका क्वेश्चन से ही कंप्लीट होता है, क्वेश्चन से ही आपका बनता है। देखिए जरा आप, कोण आपका क्या दे रखा है, सी, तो वो ही क्या रहेगा आपका पॉइंट, वो 90 डिग्री का रहेगा। उसी के हिसाब से आपका ये कौन सा बन जाएगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इस तरीके के होते हैं, ध्यान रखना, जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। सबसे मेन बात क्या है, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, जिनमें 90 डिग्री का या 90 डिग्री का कोण बनाते हों या बनता हो। आगे आप देखिए, आपको दे रखा है ए बी 26, ए सी 10, फिर आपका दे रखा है BC 24। ये तो आपका डायग्राम आपके क्वेश्चन के आधार पर ही कंप्लीट हो गया। आगे आप देखिए, ध्यान रखें जरा, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, जो भी आपका डायग्राम है ये आपका क्वेश्चन से ही कंप्लीट होता है। इसी के आधार पर जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप मान आसानी से निकाल सकते हैं। आगे आप देखिए, tan B बराबर, अब हम जरा आपको दोबारा बता रहे हैं, हम आपको पिछली वीडियो में बार बार बता चुके हैं और फिर दोबारा भी बता रहे हैं। जरा देखिए, ये आपका sin होता है, ये आपका cos होता है, ये आपका tan होता है, ये tan है tan, ये आपका cosec, ये आपका sec, ये आपका cot, कोण कुछ भी हो सकता है। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, ये आपका केवल समझाने के लिए है, आप एग्ज़ाम में कलाकारी ना करें, ये केवल समझाने के लिए है, रफली काम है ये। आगे देखिए अपना क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में आपसे tan B तथा cos A ज्ञात करना है या पूछा गया है। ज़रा देखिए, tan B बराबर क्या होता है, लंब बटे ए, और लंब बटे देखिए tan में क्या आता है हमारा, लंब बटे ए। अब B हमारा पॉइंट क्या है, यही तो B पॉइंट है, B के सामने वाला लंब और साइड वाला आधार। अब जरा आप देखें, लंब क्या है हमारा 10, ए क्या है हमारा 24, इसको काटेंगे 5 दूनी 2, एकम 2, 2 दूनी तो 5 बटे आपके 12, मतलब आपका मान क्या आ गया, tan B बराबर 5 बटे 12। आगे देखिए जरा आप, cos A बराबर, तो आपके cos A में क्या होता है या cos में क्या होता है, A बटे के, cos में आपके क्या होता है, A बटे के। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख दें, आपका cos A में क्या होता है, A बटे के, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, cos A बराबर A बटा के। देखिए जरा, cos A बराबर A बटे के, तो A का मान हमारा क्या है, यहाँ पर जरा ध्यान दें, cos A सामने वाला लंब हो गया, आधार हो गया, कण हो गया, तो आपका A का मान क्या है 10 और K का क्या है 26, इसको जब आप काटेंगे तो 5 दूनी और 2 एकम 2, 2 तीन 6। जरा ध्यान दें, हम दोबारा आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 2 पंजे और 2 एकम 2, 2 तीन, ये आपका हो गया 5 बटे 13। थोड़ा सा ध्यान दें, हम दोबारा आपको बता रहे हैं, याद रखना, जब भी संख्या ऊपर और नीचे की काटना होती है तो एक ही संख्या से कटती है। हम आपको दोबारा बता रहे हैं, अगर आपको संख्या ऊपर और नीचे की काटना होती है तो एक ही संख्या से ऊपर नीचे दोनों कटेंगी। जरा देखिए, हम आपको काट के बता रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तीन 6, बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग काट दिया, इसको अलग काट दिया, गलत हो जाएगा आंसर, नहीं आएगा आंसर।
आपका क्या आ जाएगा आंसर, 5/13। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखते रहें, आपकी समझ में आ जाएगी। वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।